शहर के घंटाघर और उसके आसपास में बने छोटे बड़े होटलों में जिस्म फरोशी का धंधा जोर शोर से चल रहा था। इसका खुलासा बुधवार को पुलिस की छापेमारी में हुआ है। फीलखाना थाने की पुलिस ने होटल रॉयल गैलेक्सी में छापा मारा। छापे के दौरान होटल के कमरों में कई जोड़े आपत्तिजनक हालत में मिले। पुलिस ने होटल संचालक समेत सभी को अपनी हिरासत में ले लिया है। एडीसीपी पूर्वी आकाश पटेल के मुताबिक काफी समय से होटल रॉयल गैलेक्सी में जिस्म फरोशी की सूचना मिल रही थी। इसके बाद बुधवार को पुलिस टीम ने होटल में छापेमारी की। छापेमारी में आपत्तिजनक हालत में मिले पुरुषों और महिलाओं को हिरासत में लिया गया है। साथ ही सेक्स रैकेट की संचालिका समेत दो दलालों को भी गिरफ्तार किया गया है। थाना फील थाना क्षेत्र में ये रॉयल गैलेक्सी नाम से एक होटल कम लॉज जैसा ये जगह ऑपरेट होती है। यहाँ पे जानकारी मिली यहाँ पे सेक्स रैकेट जैसा काम हो रहा है, उसके आधार पे यहाँ पे टीम के साथ छापामारी करी गई। यहाँ पे तीन लड़कियाँ मिली और एक व्यक्ति है जो कस्टमर है वो मिला। इसके अलावा दो लोग हैं, एक जो बेसिकली दलाली का काम करते हैं वो पकड़े गए। जो जगह की जानकारी करी गई ये एक अश्विनी गुप्ता और आशु गुप्ता उस व्यक्ति वो यहाँ का मालिक है और समरजीत नाम का व्यक्ति है जो इसको किराए पर लेकर ऑपरेट कराता था। तो अभी तक ये जानकारी और बहुत सारे यूज कॉन्डम के पैकेट्स में मिले हैं और शराब की बोतलें बहुत सारी मिली हैं और उन सबको व्यवस्था में शामिल करके आवश्यक कार्रवाई की। सर की लड़कियाँ कहाँ से होटल की तरफ से? नहीं, लड़कियाँ जो तीन लड़कियाँ हैं ये होटल की तरफ से ही थी और बेसिकली इनको अलग अलग तरीके से प्रलोभित करके यहाँ पर लाया जाता था और IMTP एक्ट में जो महिला होती है उसको पीड़ित ही माना जाता है, उसको आरोपित नहीं माना जाता है। तो उनके प्रति हम उस तरीके की कार्रवाई करेंगे, पर इनको अलग अलग तरीके से प्रलोभन लेके मजबूरी का फायदा उठा करके जमीन लाया जाता है। स्थानीय पुलिस का क्या इसकी हम जांच कराएंगे, जो भी चीज़ें सामने आएंगी उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे।